एक्सक्यूज मी, अब ये एक्चुअली इट्स माइन. ओह, आई एम सॉरी. थैंक यू. आपको आता है बजाना? जाहिर है जी, अगर मेरे पास है तो आता ही होगा. आई एम सुनैरा. गुड टू सी यू सुनैरा. मैं यहाँ अपनी मामा के साथ वेकेशंस पे आई हूँ. आप यहीं रहते हैं? जी, वो ये पास में ही घर है. How lucky. कितने लकी हैं आप, कितनी प्यारी प्यारी वादियाँ हैं. आप तो कितने लकी हैं, आप रोज देखते होंगे ये वादियाँ. मैं तो कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आई हूँ. वैसे आप करते क्या हैं? सिविल इंजीनियर हूँ जी मैं. अरे वाह, फिर ये शौक कहाँ से आया गिटार का? बिल्कुल वैसे ही जैसे आई थिंक आपको काफी ज्यादा बोलने का शौक है. एक्सक्यूज मी, मैं बिल्कुल ज्यादा नहीं बोलती. बल्कि मेरे फ्रेंड से पूछे, वो मुझे कहते तुम कम गो हो. बल्कि मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत है. आपसे चार बातें क्या कर ली, आपको लगने लगा मैं ज्यादा बोल ज्यादा बोलती हूं. आई एम सॉरी मैम, मेरी मेरी गलती है. आप बिल्कुल ज्यादा नहीं बोल. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. जैसे आप गिटार मुझे सिखा सकते हैं? मुझे बहुत शौक है सीखने का. मैं तो अभी खुद सीख रहा हूँ, आपको कैसे? कोई बात नहीं, जितना आपको आता है उतना मुझे सिखा दें, बात खत्म. एक्चुअली अभी मुझे जरा जाना है, तो फिर इंशाल्लाह. नहीं, कोई मसला नहीं है, मैं बिल्कुल फारिग हूँ. मैं तो घूमने फिरने निकली थी, आप मुझे अभी सिखा सकते हैं. अभी सिखा देना. मैं फ्री नहीं हूँ जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर सिखाऊंगा. एक्सक्यूज मी. जी, मैं आपको सोच के जवाब दे देती हूँ. जी, मैं बस अपने हस्बैंड से बात कर लूं, उनसे पूछ लूं. कोशिश करेंगे जल्दी बता. बहुत शुक्रिया. बेहतर. वालेकुम अस्सलाम. सुनिए. उन लोगों ने माहीन के लिए हाँ कर दी है. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन फसाहत, उन्होंने तो फैसला कर दिया, हमें भी तो जवाब देना ना. अरे भाई तुम परेशान मत हो, मैंने काशान के बारे में बहुत मालूमात की है. बहुत अच्छा लड़का है, बहुत खुश रहेगी हमारी माहीन. माहीन से तो किसी ने पूछा ही नहीं. मगर सुरैया, तो अपने सारे खौफ दूर कर लो ना, पूछ लो तुम माहीन से. जब तक वो हाँ नहीं कहेगी मैं जवाब नहीं दूंगा उन्हें. हाँ, लेकिन इस बार भी अगर अम्मा ने अपना फैसला सुना दिया तो? अजीब बातें करती हो तुम, हर बार पे इसी बात का ताना देती हो तुम मुझे. अच्छा, मैं अम्मा को बताओ. अम्मा,